यहाँ से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोल्डन आई और मैं हूँ हुरैन। आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए नान खताई। नान खताई बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं मैदा 1 कप, पाउडर शुगर 1 कप, बटर 1 कप, बेसन 4 टेबल स्पून, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, चॉप्ड आलमंड्स 1 टेबल स्पून और 1 अंडे की जर्दी। तो अब मैं बटर को बीट कर लूँगी। एक बाउल लेंगे बड़ा सा और उसमें बटर डाल देंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको फोक से भी बीट कर सकते हैं। तो मैं इसको बीट कर लूँगी। तो बटर को मैंने 2-3 मिनट बीट किया है। अब इसमें मैं पाउडर शुगर ऐड करूँगी, आधी अभी डालूंगी और आधी बाद में डालूंगी। इसको मिक्स कर लूंगी ताकि ये उड़े ना, और फिर इसको बीट कर लूंगी। तो अब मैं इसमें बाकी की चीनी भी डालूंगी और मिक्स कर लूंगी। मैं इसको बीट कर लूंगी। तो हमारा बटर और पाउडर शुगर का मिक्सचर बीट हो गया। अब इसको मैं हाथों से गूंदूंगी। इसमें मैं डालूंगी मैदा, बेसन, बेकिंग पाउडर और इलायची पाउडर, और अब इनको मैं गूंद लूंगी। तो अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूंगी। सॉफ्ट सी डो बनानी है। अगर गर्मी की वजह से आपको लगे कि आपका मक्खन या घी मेल्ट हो रहा है तो उसको आप फ्रिज में रख दें। डो हमारी तैयार हो गई है। अब मैं नान खताई बना लूँगी। इस तरह से और इसको प्रेस कर लेंगे। बेकिंग ट्रे पे रखेंगे और इसी तरह मैं साड़ी बना लूंगी। तो साड़ी नान खताई अब हमारी तैयार हो गई है। इस पे मैं बादाम लगाऊंगी और इसको हल्का सा प्रेस कर दूंगी। और अब इन पर मैं एग योक ब्रश कर लूंगी और इसी तरह मैं साड़ी कर लूंगी। तो अब ये बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया 180 डिग्री पर 15-20 मिनट्स के लिए, और अब इसको मैं बेक भी कर लूंगी 180 डिग्री पर 15-20 मिनट्स के लिए।
तो हमारी नान खताई बेक हो गई हैं, देखें कितनी अच्छे से बेक हुई हैं, ऊपर से का कलर और नीचे से कलर कितना प्यारा है। तो अब इसको मैं ठंडा करने के लिए कूलिंग रैक में रखूँगी ताकि दोनों साइड से इसको हवा लगे और ये क्रिस्पी हो जाए। अब इनको मैं कूलिंग रैक में रखूँगी। तो तैयार है हमारी खस्ता खस्ता बहुत ही मज़े की नान खताई। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, इसको अब मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत ही मज़े की, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद है आपको हमारी ये नान खताई की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कैसी बनी। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे यहाँ से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।